ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਮੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਹਿ ਬੇਬੀ ਨਸ਼ਾ ਅਜੀਬ ਸਹੋਰਾ ਸਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਮੇ ਖੋਰਾ ਸਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਤੁਝਕੋ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਨਾਗਨ ਜੈਸੀ ਚਾ ਟਾਣਾ 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 ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪਿਆਸਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਗੇਲਾ ਜ਼ਰਾ ਤਸਵੀਰ ਸੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। और आज एक खास मुलाकात एक खास शख्सियत के साथ, जी हां, देश के जाने माने पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर जिन्हें हम कहते हैं सुरों का सरताज शंकर सहनी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सर शुरुआत कर देते हैं आप ही के एक अंदाज के साथ, एक प्यारा सा गाना गा के सुना दीजिए दर्शकों को। हो लहल मेरी पत रखियो भला झूले लहलन ਓ ਸਿਦੜੀ ਦਾ ਸੇ ਵਨਦਾਸ ਕੀਸਾ ਬਹਜ ਕਲੰਦਰ ਦਮਾ ਦਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਓ ਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦਮਾ ਦਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਛਾਪ ਤਿਲਕ ਸਭ ਚੀਨੀ ਰੇ ਮੋਸੇ ਨੈਨਾ ਮਿਲਾਈ ਕੇ ਨੈਨਾ ਮਿਲਾਈ ਕੇ ਨੈਨਾ ਮਿਲਾਈ ਕੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਚੂੜੀਆਂ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਬਈਆਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਚੂੜੀਆਂ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਬਈਆਂ ਬਈਆਂ ਪਕੜ ਧਰ ਲੀ ਨੀ ਰਹਿ ਮੋਸੇ ਨੈਣਾ ਮਿਲਾਏ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਤੋ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਮਿਲੀ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਇਹ ਲਗਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਥਾਟ ਜੋ ਥਾ ਆਪਕਾ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਥੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੇ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਸੇ ਸੰਗੀਤ ਬਲੱਡ ਮੇ ਹੈ। ਤੋ ਘਰ ਮੇ ਕਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਬਜ ਰਹੀ, ਕਹੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਜਤਾ, ਤੋ ਘਰ ਮੇ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾ ਥਾ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਮੇ। ਤੋ ਜਬ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਾ, ਕਾਲਜ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਮੁਝੇ ਲੱਗਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬੈਂਡ ਮੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਾ ਤੋ ਫਿਰ ਲੋਕੋ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੁਝੇ ਆਗੇ ਕਰ ਦਿਆ। आप इंजीनियर और सिंगिंग का कुछ मतलब बहुत दूर तक कोई नाता तो है नहीं, तो इंजीनियरिंग करने के बाद सिंगिंग में जाना एकदम बदल जाना क्यों? मतलब या तो अगर आपको सिंगिंग ही करनी थी स्टार्टिंग से तो इंजीनियरिंग क्यों आपने फिर की? एक्चुअली मेरे डैड चाहते थे कि मैं इस लाइन में ना आऊं, वो कह रहे हैं लाइन में पैसे वैसे नहीं है जी, इसमें काम धंधा क्या करोगे आगे जाके, नौकरी तो कर है नहीं, तो संगीत में क्या करोगे। तो उनके प्रेशर से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की और मैं 2 साल काम भी किया, जॉब भी की शुरू शुरू में। और पर ये जो ओवरऑल सारे पेरेंट्स का ये प्रेशर था, उस कारण मैं चंडीगढ़ में किया। और अच्छा हुआ इंजीनियरिंग का ये बेनिफिट हुआ कि मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स मिले, पूरी कैंपस मिला और उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मेरे एल्बमों को आगे बढ़ाया, नहीं तो मैं वहीं रह जाता। तो पहला ब्रेक कब मिला आपको? पहला ब्रेक मुझे 2000 में मिला टिप्स कंपनी से, और जवाहर जी का म्यूज़िक था और उन्होंने मुझे मिलाया कंपनी के साथ। बहुत अच्छा पहला गाना कूड़ी कुरमरी कला में, हाँ, तो वो गाना उससे, उसके बाद फिर एक और टी सीरीज का गाना आया केड़े यार में, फिर नहीं, वो गाना भी हम सुनना चाहेंगे आपका, वो गाना बहुत फेमस हुआ था। ओ कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया हम मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मीठी ही है, हाय होए हाय, कुछ खट्टी कुछ मीठी ही है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी आयो है, यार कुड़ी कुरमुरी आयो है। इसे कोरियोग्राफ किया था उन्होंने सरोज खान जी ने, हमारे बीच में नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम डांस वांस छोड़ो, एक्सप्रेशन करो।
हाँ सर, ये आपकी बहुत खास बात है कि सिर्फ गाने ही आप नहीं गाते हैं, गाने के साथ साथ जो एक्सप्रेशन आपके रहते हैं वो दर्शकों को देखने में और उत्साहित लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लगता है कि आपके साथ आपके गानों के साथ झूम लें, डांस कर लें। हमारे जो ऑडियंस है वो ज्यादा पसंद करती है झूमने वाले गाने। जी जी। तो मैं जब शादी ब्याह में बजाने के लिए, हाँ, अगला नंबर तो वो बड़े होते हैं। बाकी मेरा जो पर्सनल पसंदीदा रेट है वो मैं चाहता हूँ मैं सूफी गाने गाऊँ, सॉफ्ट गाने गाऊँ, लव सॉन्ग गाऊँ, और जब कंपनी रिकॉर्ड करवाने आती है वो डिस्को भी पहुँच जाते सीधे या भगवत के भक्ति गाने में पहुँच जाते। फैमिली मेरे मदर प्रिंसिपल है, स्कूल के टीचर है, प्रिंसिपल थे, अब तो रिटायर, और डैडी प्रोफेसर थे, तो उनके टीचर्स के बच्चे हैं और उन्हीं के कारण जो ज्ञान मिला है और आशीर्वाद मिला है, और दो भाई हैं। सर देश में ही नहीं, आपने विदेश में बहुत नाम कमाया है, मतलब देश विदेश दोनों जगह आपके लाइव शो हुआ करते हैं, तो लाइव शो के दौरान कोई जो आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट है आपका, तो लाइव शो के दौरान का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, कुछ कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ लाइव शो के दौरान, किसी फैन ने कोई ऐसी बात कह दी हो जो दिल को छू गई हो, आपका ओवरऑल लाइव शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा विदेशों में? विदेशों में पहली बात यह था कि वो वहाँ यहाँ से ज्यादा उत्साह है, क्योंकि वो अपने देश आ नहीं सकते, वो जॉब की प्रॉब्लम है, छुट्टी मिल नहीं सकती इतनी लंबी छुट्टी, तो कोई सिंगर आता है या कोई हिंदुस्तान से कोई पेंटर जाता है, कोई आर्टिस्ट जाता है, तो वो उनको बड़ा अपनापन दिखाते हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है कि अपनापन जो उनका देखने को मिलता है, तो शोज वो हमें नहीं देते, वो शो अपने भारत को ही देते, समझ लो कि हमसे ज़्यादा इंडियन बड़े हैं, वो इतना मिस करते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हमें फिर जा रहा हूँ कल परसों, तो कुछ ना कुछ ये जितना हम बाहर जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, भारतीय संस्कृति भी बाहर जाती है साथ में, चाहे स्पिरिचुअल प्रोग्राम हो चाहे बॉलीवुड का प्रोग्राम हो, तो हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रहना चाहिए। सर हर किसी का ना, मतलब जो सिंगर्स होते हैं या एक्टर होते हैं, किसी बड़े शख्सियत, अपने से बड़े शख्सियत से इंस्पायर होते हैं बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, गाय करते हैं, अडोर करते हैं, तो आपका प्लेबैक सिंगिंग में फेवरेट सिंगर कौन है? नहीं, आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं प्लेबैक सिंगर तो सबको लाइक करता हूँ, आशा जी, लता जी, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब जो पुराने थे, क्योंकि यही थे जो जिनको अभी अभी बाकी सिंगरों ने किए, पर आपको हैरानी होगी मैं ज़्यादा गज़लें सुनता हूँ दिलजीत सिंह जी को, दिलजीत सिंह को, और हमारे नुसरत फ़तेह अली खान, गुलाम अली साहब को, तो एक गुलाम अली साहब और आशा जी की गज़ल आई थी, फिर सारा बन रुत की पवन चली, तुम याद आए, फिर पत्तों की पादेव बजी, तुम याद आए, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, दीवारों से जब धूप ढली, तुम याद। तो मैंने बचपन में सुनी थी स्कूल में, तो मुझे लगा कि गुलाम अली जी पाकिस्तान से आके हमारी स्वर कोकिला आशा जी के साथ डुएट करके चले गए, तो मुझे भी करना है, तो मैं बचपन से प्लानिंग किया था कि आशा महोदय जी के साथ एल्बम एक लाइफ में दूर करनी है। तो सुनो की सरस्वती नहीं जाने वाली आशा जी के साथ आपने काम किया है, तो उनके साथ जो आपने काम किया वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और किस प्रोजेक्ट पे आपने आशा जी के साथ काम किया? हमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सीडी का अवार्ड मिला जी, और मैंने आशा जी का संगीत किया एज म्यूजिक डायरेक्टर, और देव ऋषि जी के लिखे हुए गाने, तो आशा जी कह रही मैं आजकल गाती नहीं हूँ, कोई एक आधा गाना हो तो गा लूँगी, तो मुझे भी जी करके बुलाती, मैं उनके चरणों के बराबर हूँ, तो वह शंकर जी एक आधा गवा लो, पर मैंने कहा मैं तो बचपन से प्लानिंग की है पूरी सीडी बनेगी आठ गानों की, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं गजल सुनाओ, फिर हमने उनको सुनाया, मैं वो सुनाता हूँ एक सूफी टाइप गाना सुनाता हूँ, ओ वारी जावां इश्क़े जेड़ा
ਵਰ ਜਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਛੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਬ ਕਹਾਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਿਸ ਕੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤਖਤ ਕੋ ਵੀ ਠੁਕਰਾਏ ਕਿਸਮਤਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਰੋ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਔਰ ਮਦਰ ਸਿੱਖ ਸਰੇ ਮਾਰੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀ ਤਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਾ ਔਰ ਹਮਨੇ ਜਬ ਆਪਣੀ ਆਈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੋਕਲ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤਯੁ ਜਬ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ ਹੁਆ ਆਪਕੋ ਪਰ ਡੇ ਉਸ ਪੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਵਿਊ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ 10 12 ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਟੋਟਲ ਸਭ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ YouTube ਪੇ ਤੋ 10 ਲੱਖ ਪਰ ਡੇ तो बड़ी खुशी होती मुझे कि और जब मैंने गाया था ये तो मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि अब महामृत्युंजय का जाप करो तो मैंने महामृत्युंजय जाप करा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अब मुझे लगा कि ये तो हर बंदे के पास होना चाहिए तो मैं बाजार में एक सीडी लेने गया करी सीडी बनी नहीं है जिसकी दुनिया में तो फिर हमने मैंने कहा ये बनी नहीं है तो बहुत गलत बात है घर घर होना चाहिए तो मैंने बनाया तो कोई सुने ना जब कोई सुनाया तो फिर एक टीवी चैनल ने इसको उठा लिया उन्होंने बहुत दिखाया इसको अब उन्होंने इतना दिखाया कि सीडी का जमाना बंद हो गया यूट्यूब का शुरू हो गया तो सब यूट्यूब पे पहुंच गए तो और इसका ये है कि ये ठोस धरातल पर एक ऐसी सच्चाई है जिसे जब भी चाहे जो भी चाहे आजमा सकता है ये कल्पना नहीं ये तो मैं कह सकता हूँ और मैं आपको भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ जी उनके द्वारा लिखा गया है ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् मृत्योर्मुक्षिगमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता तो इसको रोज सुनना चाहिए रोज सुनने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के आसपास एक ऐसा कवच बनता है जिसको देवता भी घेर नहीं सकते मतलब देवता भी उस पर अटैक नहीं कर सकते इंसान तो छोड़िए तो अगर आप इतना फेथ रखें जैसे मैं फेथ से कह रहा हूँ तो होगा ये और आपको रोज करें और कितना आनंद आता है तो इसलिए लोग सीडी लगा के छोड़ देते हैं 45 मिनट चलती रहती है तो आप भी लगाइए क्योंकि ये बड़ा सिंपल है और बड़ा इफेक्टिव है तो सर फर्श से हर्ष तक की जो आपकी पूरी जर्नी रही मतलब आपने जब स्टार्ट किया था अपना पहला गाना लॉन्च किया तो उसमें आप खुद ही कंपोजर थे आप खुद ही उसमें एक्टिंग करते हैं उसको गाते भी हैं तो ये भी बहुत बड़ा मतलब बहुत टैलेंटेड वाली बात है कि आप सारा खुद खुश ही कर खुद ही खुश कर लेते हैं सब कुछ उसमें पढ़ाई सफर होने लग पड़ी तो मुझे था कि मैं एक दिन गाना गाऊंगा तो मैंने सारे जो म्यूजिशियन थे 5-7 सबको बोला भी मैं गाना गाना है वो गिटार बहुत बजा ली तो सब ने पैसे नहीं लिए स्टूडियो वाले ने पैसे नहीं लिए तो इस तरह मेरी पहली सीडी निकल आई
और मम्मी ने फिर अपनी चूड़ी बेची ये गोल्ड की, फिर उन्होंने चूड़ी बेच के पैसे दिए, फिर वो तो ऐसे पहली एल्बम आई तो सबने मिलजुल के मेरी हेल्प की, और फिर हमने पहली बार उस टाइम पे बहुत सारे पैसे दो मैंने दिए मान के काम। तो वो गाना हम सुनना चाहेंगे जिस गाने ने आपकी जिंदगी बदली। तो वो देखो जिंदगी तो ज्यादा हर गाने से थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, और एक गाना था मेरा सोने सोने रूप युते कर के श्रृंगार किथे बन के पटोला नी तू चली कुड़ी नी केड़े यार नु ओ केड़े यार नु मिलन चली कली कुड़ी नी केड़े यार नु। और जो कुड़ी कुरमरी से पहले आया था वो स्टार्टिंग आया था तो मुझे लोग काम नहीं देते थे कि यार ये गाने गाता है आगे क्या करेगा तीन घंटे से। तो जब दो गाने सुबह ये गाना आया फिर और काफी पंजाबी गाने आए, फिर मुझे सर पे टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल तेरा क्या कहना गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल ओए तेरा, इस तरह के रिमिक्स मैंने बहुत गाए। तो इस तरह का बहुत काम जब इकट्ठा हो गया तो फिर मेरे काम की लाइन लग गई। तो बस अब आगे सुरों के सरदार से हमें कौन सा नया सरप्राइज मिलने वाला है, आप आगे नए नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कोई रोमांटिक ट्रैक के बारे में सोचा है, क्योंकि हमने सुना है कि आपको रोमांटिक गाने बहुत पसंद है। हां तो रोमांटिक ट्रैक के बारे में सोचा है? हां मैं रोमांटिक ट्रैक बहुत जल्दी तीन गाने ला रहा हूं और वो तीनों रोमांटिक हैं। और तेरे हंसे जी फूला दी महक वसदी फूल गिर देने जदो मुंह हंसदी ना तू दिल तो पुला ही सुनिए मुंडा हो गया शिकारी तेरी अख दा नैना दे तीर कसदा ना तू दिल तो पुला ही सुनिए मुंडा हो गया शिकारी ओ हो ओ मुंडा हो गया शिकार आए हाय ओ मुंडा हो गया शिकारी। तो इस तरह के सॉफ्ट गाने हैं, तीन हिंदी में है एक पंजाबी में है, और जल्द आप ये देखेंगे और मैं चाहूंगा कि मेरा अभी ये गाना जरूर सुने सारे। छोरी धीरे धीरे पाओ ना रख यो ना चुक से हरियाणवी गाना मैंने पहली बार गाया नागिन, आप यूट्यूब पे जरूर देखे अभी यही आया लेटेस्ट। मारे गुड़गावा में महल खड़े पूरा सुख से वे भी नशा अजीब सा हो रहा है इंडिया तेरे रूप में खो रहा है इस बात की तुझको खबर नहीं तेरी नागिन जैसी चा टाना 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 टाना। वाकई में कमाल है आपकी आवाज में। और दर्शकों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, यूथ को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं जब बहुत परेशान था कुछ नहीं मेरा हुआ था तो तब मैंने लिखा था जब कोई मंजिल ना मिले जब कोई साथी ना मिले जब कोई रास्ता ना मिले जब कोई आशा ना रहे तो रखना तू यकीन इस बात पे एक दिन पूरी होगी मन की सारी मुरादें एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे जब कोई मंजिल ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी शंकर साहनी जी के साथ हमारी खास मुलाकात, लेकिन रुकना नहीं है क्योंकि शंकर साहनी जी रुकते नहीं है, आपके लिए प्रेरणादायक हंसने वाले रुलाने वाले गाने वो लेके आते रहेंगे। देखते रहिए उनको हमारे साथ, कोई और भी खास पेशकश होगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। जब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। ਹੋਣਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੁੜੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਮੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਹਿ ਮੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਅਜੀਬ ਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਮੇ ਖੋ ਰਿਹਾ ਸਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਤੁਝਕੋ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਨਾਗਿਨ ਜੈਸੀ ਚਾ ਟਾਣਾ 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 ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪਿਆਸਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਗੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਤਸਵੀਰ ਸੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹ